पॉडकास्ट क्या होता है, इसके बारे में आजकल बहुत सी जगह सुनने को मिल रहा है। आज के समय में पॉडकास्टिंग काफी लोकप्रिय हो रही है और अन्य देशों में भी यह काफी चलन में भी है। ज्यादातर लोगों के लिए पॉडकास्ट बिल्कुल नया है और पॉडकास्ट के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। आइए जानते हैं कि पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि पॉडकास्ट या पॉडकास्टिंग का अर्थ एक रेडियो शो होता है जो इंटरनेट पर चलता है। इसे इंटरनेट का रेडियो भी कहा जा सकता है। यह किसी भी रेडियो शो के समान होता है, लेकिन यहाँ ऑन डिमांड यानी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पॉडकास्ट लगाकर सुन सकते हैं। पॉडकास्ट में ऑडियो एपिसोड या कार्यक्रम की एक सीरीज होती है जिसमें किसी विषय के ऊपर बात या चर्चा की जाती है या ज्ञान साझा किया जाता है। ज्यादातर पॉडकास्ट सप्ताह में एक बार पब्लिश किए जाते हैं या कुछ दिनों के अंत में भी आते हैं। आज के समय में पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत सी वेबसाइट और ऐप उपलब्ध है। गूगल पॉडकास्ट भी एक लोकप्रिय पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जहां बहुत से पॉडकास्ट फ्री में सुने जा सकते हैं। ज्यादातर पॉडकास्ट ऑडियो के रूप में होते हैं। इसके अलावा वीडियो पॉडकास्ट भी होते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि वीडियो पॉडकास्टिंग क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो पॉडकास्ट को वीडियो कास्ट भी कहा जाता है। इसमें ऑडियो के साथ वीडियो को भी शामिल किया जाता है। पॉडकास्ट की तरह ही वीडियो पॉडकास्ट में भी एक या दो लोग किसी विषय पर बात करते हैं। आप YouTube पर ऐसे वीडियो देख सकते हैं जिसमें माइक के सामने दो या दो से ज्यादा लोग एक विषय पर बात करते हैं। यह भी एक वीडियो पॉडकास्ट ही होता है। पॉडकास्टिंग करने के कई तरीके हैं, जैसे एक व्यक्ति का पॉडकास्ट। यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाला पॉडकास्ट होता है। इसमें किसी विषय पर अपनी राय देना, लोगों के सवालों के जवाब देना, समाचार या अन्य किसी भी प्रकार का पॉडकास्ट बनाया जाता है। इसे बनाना काफी आसान होता है, जिसमें केवल विषय पर बात कर और ऑडियो रिकॉर्ड कर अपलोड कर दिया जाता है। दो लोगों के साथ भी पॉडकास्ट किया जा सकता है। पॉडकास्ट के इस प्रकार में दो होस्ट शामिल होते हैं जो मिलकर एक पॉडकास्ट बनाते हैं। इसमें दो व्यक्ति साथ में किसी विषय पर बात करते हैं। पॉडकास्ट के कई तरीके हैं, जिसमें से एक है इंटरव्यू पॉडकास्ट। इस प्रकार के पॉडकास्ट में होस्ट द्वारा किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें इंटरव्यू द्वारा विचार पॉडकास्ट में शेयर किए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं पॉडकास्ट के फीचर्स और फायदे। आप किसी भी काम को करते हुए साथ में पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप अपना काम कर सकते हैं और साथ में कोई पॉडकास्ट लगाकर अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं या अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं। पॉडकास्ट एक फ्री सर्विस होती है। कोई भी अपना पॉडकास्ट बनाकर इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं, जो अपना ज्ञान लोगों को बांटना चाहते हैं। आजकल कई क्षेत्रों में बहुत से विषय पर पॉडकास्ट मौजूद है, जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस, न्यूज, स्पोर्ट्स आदि के पॉडकास्ट सुने जा सकते हैं। आपको बता दें कि पॉडकास्ट ऑन डिमांड होते हैं। आप अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी जगह पर कोई भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप किसी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि पॉडकास्ट आखिर करते कैसे हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। पॉडकास्टिंग करना या पॉडकास्ट को बनाना भी काफी आसान प्रक्रिया है। इसके लिए केवल एक ऑडियो रिकॉर्ड करना होता है और एक ऑडियो फाइल बनाना होता है। इसके बाद इस ऑडियो फाइल को किसी भी पॉडकास्ट ऐप, वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म भी होते हैं जो आपको पॉडकास्ट बनाने में मदद कर सकते हैं। पॉडकास्ट बनाने के लिए अगर आप एक अच्छे माइक का उपयोग करेंगे तो आपके पॉडकास्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है।
उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी और पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है इस सवाल का जवाब भी आपको मिल ही गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।